रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने रब से मांगू तो क्या मांगू। तो हुजूर ने फरमाया रब से आफियत मांगो। सूफिया किराम फरमाते आफियत से बड़ी नेमत कोई नहीं अगर किसी को मुयस्सर आए तो, आफियत से बड़ा हुस्न कोई नहीं अगर किसी शख्स को यह नसीब हो जाए। और एक अल्लाह वाले ने तो एक और बड़ा खूबसूरत तर्जुमा यहां किया है, वो कहते हैं आफियत का मतलब है दिल का करार, आफियत का मतलब है बातन का सुकून, आफियत का मतलब है इंसान के मिजाज का हौसला, ठंडक, बुर्दबारी। इस बंदे को आफियत नसीब हो जाती है गोया अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता फरमा देता है, थोड़े पैसों में भी सुकून, बगैर शोहरत के भी सुकून।